हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीएसएन लर्निंग। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 अंकगणित में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 1i। ठीक है, तो 1i में क्या है? 1i में ये है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याओं का समावेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले कुछ चीज़ें बेसिक हम जान लेते हैं जो आप ईजिली बता भी सकते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, 4 और इधर सारे -1। ठीक, तो ये सारे क्या है? पूर्णांक है। ठीक, चलिए अब मैं बोलूंगी -1 और 2 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक है। -1 और 2 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक है, तो आप क्या बताएंगे? 0 है और 1 है। ठीक है, 1 और 4 के बीच में क्या क्या है? 2 है और 3। ठीक, तो ये क्या है? किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो पूर्णांक संख्या फिक्स है। -1 और 1 के बीच में 0 है, 2 और 4 के बीच में 3 है। ये तो आप देख के इजली बता लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो असीमित रूप से बहुत ही परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच। ठीक है, लेकिन उनको हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, दशमलव में नहीं, 0.5, 1.2, तो वो पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर 3 और 4 के बीच हम परिमेय संख्या की बात करें, तो 3 और 4 के बीच में आप क्या ले सकते हैं? 3.1, 3.2, 3.05, ऐसे करके ढेर सारी संख्याएँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 3 ही अभी हम लिखे हैं ना, आप ऐसे करके बहुत से ले सकते हैं। 3.05 लिखा है, 3.06, 3.007, ऐसे करके ढेर सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो असीमित रूप से बहुत होती हैं। ठीक है, लेकिन पूर्णांक की अगर हम बात करें, तो किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सीमित होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, 2 और 4 के बीच में केवल 3 ही है और कोई नहीं है, लेकिन 2 और 4 के बीच में अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो बहुत हो जाएंगे, जैसे ये अभी मैं एग्जाम्पल आपको दी। ठीक है, अब हम आपका जो टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। आपके में दिया है कि दो दी गई विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये आपके एक्सरसाइज में है। ठीक है, मतलब अभ्यास 1i में यही चीज़ हमें करना है कि दो परिमेय संख्या हमें दी जाएंगी, ठीक, उनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, वो आपको डन कर लीजिएगा, इजी है बिल्कुल। 1/2 यहाँ गुणे का चिन्ह है, अंदर पहली परिमेय संख्या, ठीक है, प्लस दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, या इसी को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? 1/2 x + y। ठीक है, यहाँ x क्या है? पहली परिमेय संख्या। y क्या है? दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 2 और 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, अगर ये क्वेश्चन होगा तो यही फॉर्मूला बस लगेगा, और कोई दूसरा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे, 1/2 × पहली परिमेय संख्या 2 और दूसरी 3। ठीक है, फिर 1/2 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5, तो 5 × 5/2। तो 2 और 3 के ठीक बीच में जो परिमेय संख्या है वो है 5/2। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला कि दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 × x + y। ठीक है, चलिए ये है पहला नंबर, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की बोला है, इसीलिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे अभी मैं जो आपको बताई हूँ, 1/2 ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? -1
में बटा दो बटे एक डिश की परिमेय संख्या बराबर फॉर्मूला ए बटा दो एक्स धन वाई, एक्स की जगह में क्या दिया है ऋण एक धन है, लेकिन यह ऋण है तो धन ऋण एक बटा दो, और इसको आप मझिला कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, एक्स की जगह ऋण एक, वाई की जगह ऋण एक बटा दो, यहाँ सूत्र में प्लस का चिन्ह था तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, एक बटा दो गुणे, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ऋण एक प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो का इसमें गुणा करेंगे ऋण दो। ठीक है, माइनस एक लिखा है तो एक बटा दो, या आप यहाँ पे लासा लेके भी कर सकते हैं। ठीक, विदाउट लासा भी मैं आपको बताई जब शुरू में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज वन ए वन भी इस तरीके बहुत से करवा रहे हैं, तो दो का एक में करेंगे ऋण दो, ऋण था तो ऋण और एक है तो एक, फिर क्या होगा समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे ऋण तीन बटा दो, फिर गुणा कर दीजिए ऋण तीन का एक कर दें ऋण तीन आएगा और दो का दो में करेंगे चार। तो ये था पहले पहला क्वेश्चन जिसमें इन लोगों की ठीक दिशा की परिमेय संख्या निकालनी थी जो कि क्या है ऋण तीन बटा चार। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का तीसरा ऋण तीन बटा चार। ठीक है, अब ऐसे ही मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी बन जाएगा, सेकंड तो और इजी है। ठीक, इसमें लास्ट से कुछ लेना नहीं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें ये ऋण एक और एक के बीच की परिमेय संख्या बताना है, फॉर्मूला वही लगेगा, फिर हिंदी भी वही रहेगी, ऋण एक और एक के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, फिर बराबर एक बटा दो ब्रैकेट के अंदर एक्स, एक्स की जगह ऋण एक प्लस वाई। ठीक है, अब ऋण एक धन एक क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, जोड़ नहीं दीजिएगा एक एक तो हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है बच्चों। ठीक है, या इसको कट कर दीजिए जीरो, और इसका गुणा जो जीरो में करेंगे तो जीरो। ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा, है इजी है ना, तो इसमें कि बन जाएंगे आप लोगों से। एक क्वेश्चन में और बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर आठवां। ठीक है, चलिए ये है आठवां नंबर, इसमें क्या है एक से तीन बटा चार और चार से तीन बटा आठ के बीच की परिमेय संख्या। ठीक, इसे भी करेंगे कौन से फॉर्मूले से, यही ध्यान रखिएगा इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही वाला थी। ठीक है, और अच्छे से करिएगा, अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको नाइन्थ में भी मिलेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार तब चार और तीन सात, ये मिश्र भिन्न दिया है उसको हम साधारण में बदल देंगे, आठ सौ बत्तीस तीन पैंतीस। ठीक है, ये और ये के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, बराबर एक बटा दो गुणे सात बटा चार धन पैंतीस बटा आठ। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, लासा लेके निकाल लीजिए, ये आठ हो जाएगा, दो बार जाएगा सात दूनी चौदह, एक बार जाएगा पैंतीस। ठीक, जोड़ दीजिए पैंतीस दस पैंतालीस चार उनचास बटा आठ, कुछ कट तो होगा नहीं, सामने सामने तो कट करते नहीं, ये उनचास भी कट नहीं होगा, तो सामने सामने गुणा कर दीजिए आठ दूनी। ठीक, तो उनचास दस हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर आठवां। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दसवां। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दसवां, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो दिया है इसको पहले परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में आपको व्यक्त करना, पहला काम तो यही करना, तो पहले चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लासा लेंगे तीन और चार का बारह, कितनी बार जाएगा चार बार, चार दूनी आठ, कितनी बार जाएगा तीन बार, चार तीन बारह, तीन का एक करेंगे तीन, फिर ऋण आठ में से तीन घट जाएगा कितना आएगा ऋण पाँच, क्योंकि आठ बड़ा है तो ऋण का चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को गुणा कर दीजिए, आप गुणे का चिन्ह निश्चित कर रहते हैं, बारह दो चौबीस। ठीक, ये पहला स्टेप होगा पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर लिए। अब ये बोल रहा है कि और यह दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं ऋण दो बटा तीन और एक बटा चार के
बीच स्थित है ना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, बार वाले स्टेप में जो अभी तक हम करते थे फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो हम कर लेंगे कि ऋण 2/3 और 1/4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर फॉर्मूला 1/2 एक्स घन वाई होता है, इसी में रख दीजिए। ऋण 2/3 घन 1/4 हल कर लीजिए, 1/2 गुणे 12 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बार जाएगा, 3 फिर घट जाएगा -5/12, फिर सामने सामने गुणा कर दीजिए, फिर ये आ गया। अब देखिए सेम आ रहा है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। मुझे लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा क्या, इति सिद्धम। लासा लेना आना चाहिए, और जो भिन्न हल करना होता है, जो स्टार्टिंग में आपने किया भी है, बस उतना अगर आपको पता है कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।